डियर फ्रेंड्स, आज हम लेखन शैली में सूचना लेखन करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में 5 अंक का आता है। सूचना लेखन, सूचना लेखन कम से कम शब्दों से में औपचारिक शैली में लिखिए यह संक्षिप्त जानकारी होती है। सूचना का संबंध किसी संस्था या समूह से होता है, यह समूह कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हो सकता है। अपने संस्थान के सभी या कुछ सदस्यों के लिए कोई जानकारी देना सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन अनेक प्रकार की हो सकती हैं, किसी कार्यक्रम की सूचना, किसी नियुक्ति की सूचना, किसी नए परिवर्तन की सूचना, छुट्टी, परीक्षा, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल दिवस आदि की सूचना, किसी नए नियम को सूचना आदि। सूचना लेखन का भाव है किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना। एक अच्छी सूचना कैसे तैयार करें? जिस संस्था विद्यालय में कार्यालय द्वारा इसे जारी किया जाता है उसका नाम बिल्कुल बेटा सेंटर में लिखना होता है। हिंदी में इसे सूचना लेखन को नोटिस कहते हैं, नोटिस राइटिंग, जिस दिनांक को इसे जारी किया जा सकता है। नंबर 3 है सही शीर्षक जो सूचना को स्पष्ट करे। नंबर 4 एक आकर्षित करने वाला नाम या स्लोगन। नंबर 5 सूचना लिखने का उद्देश्य जैसे मीटिंग, किसी और ध्यान आकर्षित करना, आम जनता को सामान्य जानकारी देना आदि। नंबर 6 समय का सही और पूरा विवरण, दिनांक, समय, स्थान, कार्यक्रम, कितने बजे से कितने बजे तक। आगे है 7.7 अंत में सूचना लिखने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर और पद आदि का लेखन होता है। नाम सूचना के नीचे दाएं और बाएं कोने में होता है तथा तिथि बाएं कोने में होती है। आगे हम करेंगे सूचना लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी बेटा, सूचना लिखते समय बेटा कुछ विशेष नियम होते हैं। विशिष्ट जानकारी को बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जैसे संस्था का नाम बिल्कुल सेंटर में। संस्था का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लिख दोगे। बोर्ड की कक्षा में क्लियर लिखने की जरूरत नहीं होती है। मान लो आपका स्कूल का नाम DAV पब्लिक स्कूल श्री मुक्तसर साहिब है, बेटा नहीं, हमने केवल नाम लिखना है, कोई और नाम लिख सकते हैं, स्कूल का क्लियर नाम नहीं लिखना। तरीक का स्थान सदैव ऊपर सीधे या उल्टे, दाएं या बाएं दोनों तरफ किसी तरफ ही लिख सकते हैं। पूरी सूचना एक निश्चित चकोर में लिखी जानी चाहिए, चकोर मतलब चारों तरफ बाउंड्री लगा लेनी चाहिए। जिस विशिष्ट व्यक्तित्व के द्वारा सूचना जारी की जा रही है उसके हस्ताक्षर, उसकी पदवी और नाम सहित लिखिए। पूरे वाक्य न लिखकर संकेतों के माध्यम से लिखा जाना चाहिए। शब्द सीमा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जैसे बोर्ड की कक्षा में लिखा होता है कि आपको 30 और 40 शब्दों में एक नोटिस तैयार करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाने जा रही हूँ। आपके विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, इस आशय की सूचना तैयार कीजिए। देखो मैंने आपको बताया कि आपने सही स्कूल का नाम नहीं लिखना क्योंकि बोर्ड की क्लास है। जैसे मैंने लिखा विशाल भारती स्कूल पश्चिम विहार नई दिल्ली, तो आपके बेटा राइट हैंड की तरफ दिनांक लिखी हुई है ऊपर, आपको मतलब स्कूल का संस्था का नाम, फिर सूचना लिखना विषय, मतलब सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 14 नवंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को क्या होता है, नेहरू जी का जन्मदिवस होता है और बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो आपको सूचित किया जाता है कि 14 नवंबर को हमारे विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया जाएगा। इसका समय सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह मेला हमारे विद्यालय के सभागार होता है मीटिंग स्थान, यहाँ पर हम सुबह जो है सभा करते हैं, मतलब मॉर्निंग असेंबली करते हैं, में लगेगा। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के परिवार के सदस्य भी इस मेले में आमंत्रित हैं, मतलब उनको बुलावा दिया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इसमें आकर मेले की शोभा बढ़ाएं। ये किसकी तरफ से मेले का आयोजन होगा? लिख तो चाहिए कोई और रहा होगा, मगर क्या है, प्रधानाचार्य जी।
प्रधानाचार्य जी की तरफ है से है तो प्रधानाचार्य जी के हस्ताक्षर जो कि बाईं तरफ आ गया, दिनांक दाईं तरफ आ गई, हस्ताक्षर दूसरी ऑपोजिट साइड में हमने बाईं तरफ लिख दिया। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं बच्चों कि आपके सिलेबस में ये पाठ्यक्रम में 5 अंक है, सूचना किसी भी आधार पर आ सकती है, दिनांक आप मतलब जो जो आप दोगे ना दिनांक और समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा और स्थान का। मैंने समय भी देखो प्रॉपर दिया हुआ इस सूचना में और विद्यालय का नाम भी रोंग लिखा है। क्यों रोंग लिखा है? क्योंकि ये हम बोर्ड की कक्षा में सही नाम नहीं लिखते। डीएवी पब्लिक स्कूल आप श्री मुख्तार साहिब ना लिखे, डीएवी पब्लिक स्कूल आप अबोहर लिख सकते हैं, मलोट लिख सकते हैं, फाजिलका लिख सकते हैं, जलंधर लिख सकते हैं, ऐसे क्लियर मुख्तार नहीं लिख सकते। बस ऐसे ही आपने दिनांक भी है जैसे 15 नवंबर को है, है ना, 15 नवंबर को हो रही है तो दिनांक आपने उसके एक महीना पहले की लिख देनी है, है ना। अक्टूबर मंथ की लिख सकते हो या जैसे मैं कहूँ कि अगस्त की भी लिख सकती हूँ, पहले मैंने नोटिस एक महीना लगा दिया। सूचना मतलब मीटिंग होता है, सूचना का मतलब होता है बेटा नोटिस, नोटिस पट पर मतलब सूचना पट होता है, नोटिस बोर्ड को बोलते हैं, तो उस पर यह लगानी है आपने सूचना और सभी अपने आप देख लेंगे वहाँ से, है ना। मतलब कहने का भाव ये है कि आपको हर जो भी मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं उन सभी को विशेष ध्यान रखना होगा और जब हम जूम सेशन में आएंगे तो मैं आपको 4-5 एग्जांपल और अच्छे से करवा दूंगी। धन्यवाद बच्चों, मेरी ओर से मेरे को उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से लिखना आ गया होगा और जो बाउंड्री है आपने पेंसिल की तरफ से लगानी है, पेंसिल से लगा लेनी बाउंड्री चारों तरफ पेज के तो बीच में लिख देना है, बस इसमें कोई ज़्यादा है नहीं है कुछ। धन्यवाद बच्चों।